आज हम बात करने वाले हैं ग्रे हेयर के बारे में, बिना किसी डाई, बिना किसी मेहंदी, बिना किसी केमिकल के। आज हम एक ऐसा अनोखा हेयर डाई बनाने वाले हैं जो कि आपके बालों को पूरी तरीके से कलर कर देगा। अखरोट के ये छिलके आपके ग्रे बालों को हमेशा के लिए कलर कर सकता है। अनबिलीवेबल लग रहा है ना, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, आज मैं आपको इस अखरोट के छिलके से कुछ ऐसा हेयर डाई बनाना सिखाने वाली हूँ जिससे कि आप अपने बालों को हमेशा के लिए डाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, ये नेचुरल है, कोई हार्म नहीं है और लॉन्ग टाइम तक आपका बाल इससे जो है वो कलर्ड रहेगा। साथ साथ आपके बाल लंबे, घने, काले, चमकदार भी होंगे और बालों के बाकी समस्या से भी आपको मुक्ति दिलाएगा। डाई कैसे बनाना है, किस तरह से बनाना है और कैसे लगाना है, तो बने रहिए हमारे साथ पूरे वीडियो में। चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मेरा नाम पुनीता झा है, मेरे चैनल का नाम होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता है, जहां पे मैं आप लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियों का छोटा छोटा होम रेमेडी बताकर कैसे अपने आप को फिट एंड फाइन रख सकते हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। हमारे जो बाल होते हैं आज के टाइम में देखेंगे कि बहुत सारे लोग कम उम्र से लेकर ज्यादा उम्र तक सबके बाल सफेद हो रहे हैं। 50 के बाद ग्रे बाल होना नेचुरल है क्योंकि एजिंग प्रोसेस का एक हिस्सा होता है, लेकिन आज के टाइम में क्या छोटे, क्या बड़े, क्या मिडिल एज, सबके बाल देखेंगे ग्रे हो रहे हैं और उनके साथ झर रहे हैं बालों में। बहुत सारे लोग गंजे हो रहे हैं, बहुत सारे बालों के बाल बीच से टूट रहे हैं, फ्रीजी हो रहे हैं, स्मूथनेस नहीं है, बहुत सारी बालों की समस्या। इन सारी समस्याओं का आज जो मैं उपाय बताने वाली हूँ वो हल है, तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में हमारे साथ। अब हम जानते हैं कि ये बाल जो हमारे खराब होते हैं या ग्रे होते हैं उसके पीछे क्या कारण है, लेकिन पहला जो कारण होता है वो होता है पिगमेंट। हमारे बॉडी के अंदर तीन तरह का पिगमेंट होता है। जो पहला पिगमेंट होता है उसको मेलानिन कहते हैं। मेलानिन ही वो पिगमेंट है जिसके वजह से हमारे स्किन का कलर गोरा, सांवला, डार्क कलर होता है, और मेलानिन ही वो है जिसके वजह से हमारे बालों का कलर भूरा, सफेद, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन या ब्लैक होता है। एक और तरह का पिगमेंट हमारे बॉडी में होता है जिसको कि हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, और तीसरा होता है उसको कैरेटिनॉइड्स कहते हैं। जो मेलानिन है वो मेन हमारा बालों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मेलानिन के भी जो है दो पार्ट होते हैं, मतलब बालों के भी कलर के भी दो पार्ट होते हैं। ये जो दो तरह का मेलानिन होता है, एक को कहते हैं यू मेलानिन और एक को कहते हैं फियो मेलानिन। जो यू मेलानिन होता है वो मोस्टली एशियंस में पाया जाता है, जैसे हम लोग इंडियंस हैं, हम लोगों के बाल जो है मोस्टली डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर के होते हैं। जो फियो मेलानिन होता है वो मोस्टली जो एशिया के बाहर के लोग हैं उनके होते हैं, इसीलिए आप देखते होंगे कि उनके बाल लाइट ब्राउन या सुनहरे कलर के होते हैं। ये जो मेलानिन होता है उसका फॉर्मेशन हमारे हेयर फॉलिकल के मेलानोसाइट्स के अंदर होता है, जहां ये पिगमेंट क्रिएट होता है। वो पिगमेंट कम क्रिएट होता है, ज्यादा क्रिएट होता है, उसके हिसाब से हमारे बालों का कलर, बालों का स्ट्रेंथ और बालों की नरिशमेंट होती है। अब बालों में कलर कैसे आता है ये तो समझ आ गया, अब कलर जाता कैसे है ये जानना भी जरूरी है। तो जो जब हम एज करते हैं तो एज करने के साथ क्या होता है कि मेलानोसाइट्स जो है, जो कि पिगमेंट बनाता है वो हमारे हेयर फॉलिकल में, वो धीरे धीरे एज के हिसाब से डैमेज होने लगता है। जैसे कि आप जानते हैं कि उम्र के साथ शरीर का सारा सिस्टम जो है वीक होने लगता है, सिमिलरली मेलानोसाइट जहां की मेलानिन बनता है वो वीक होने लगता है, जिसके वजह से मेलानिन का फॉर्मेशन, प्रोडक्शन जो है वो कम होने लगता है, जिसके वजह से धीरे धीरे कम सफेद बाल, फिर ज्यादा सफेद बाल, फिर पूरे सफेद बाल आपको देखने को मिलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ यही कारण है? नहीं, इसके साथ और भी बहुत सारा कारण है। इसके साथ हमारा आजकल का खान पान, सब कुछ जो आज मिलता है वो कंटामिनेटेड है। आप जो खाना खाते हैं उसके अंदर पेस्टिसाइड्स मिला हुआ है, कोई भी चीज प्योर नहीं है। उसके अलावा पॉल्यूशन हो गया, रेडिएशन हो गया, और उसके साथ हवा के अंदर जो बहुत सारे ऐसे अननोन केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे नाकों, मुंह के थ्रू और बालों के थ्रू जो है हमारे पेट के अंदर भी जाते हैं और हमारे बालों के हेयर फॉलिकल और स्कैल्प पे भी रह जाते हैं, जिसके वजह से इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। उसके बाद जितने भी तरह के हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाते हैं उसके अंदर पेस्टिसाइड्स और कलर्स इतने ज्यादा मिले होते हैं जो कि मेलानिन के फॉर्मेशन को रिड्यूस करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये तो हो गया ऐसे लोगों का जिनका की एज होता है, उनको प्रॉब्लम होती है। अब जो छोटे बच्चों में, मतलब प्रीमेच्योर ग्रेइंग जो होती है, कम उम्र में, उम्र से पहले जो बाल ग्रे होने लगते हैं उसके क्या कारण होते हैं? तो उसके ये सब के कारण के अलावा जो कारण होते हैं उसमें एक होता है कि मेडिकल कंडीशन, मतलब हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपरथायराइड की प्रॉब्लम है, ऑटो इम्यून डिजीज की प्रॉब्लम है, या मलेरिया की मेडिसिन ले रहे हैं जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारे लोगों को टाइफाइड की मेडिसिन लेने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। फिर कुछ लोगों के अंदर ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम भी होती है कि उनके अंदर जो है मेलानिन का फॉर्मेशन ऑलरेडी कम होता है।
उसके साथ साथ विटिल्गो की प्रॉब्लम हो गई। आपको विटिल्गो की प्रॉब्लम क्या होती है, स्किन के ऊपर जो फुलरी हो जाती है, सफेद दाग या ल्यूकोडर्मा जिसको कहते हैं, वो भी मेलानिन के वजह से ही होती है। इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे आई कार्ड में ये वीडियो है देखिए, मेरे डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देखिए और कैसे इस सफेद दाग को आप रिवर्स कर सकते हैं और स्किन को नॉर्मल बना सकते हैं, उस पर भी मेरा वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। आजकल जो केमिकल युक्त जो बाहर का हम खाना खाते हैं जिसके अंदर बहुत सारे कलर्स और बहुत सारे प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, डब्बा बंद जितने भी खाना खाते हैं, वो सब भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की अगर बात करूं तो बहुत सारे ऐसे विटामिंस एंड मिनरल्स हैं जिसकी कमी होने की वजह से बाल ग्रे होने की संभावना बढ़ जाती है। फॉलिक एसिड, विटामिन B12, कॉपर, आयोडीन, आयरन, ये सब कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे हेयर फॉलिकल को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं जिससे मेलानोसाइट्स के अंदर मेलानिन बनते हैं। जब इनकी कमी हो जाती है तब बाल ग्रे होने स्टार्ट हो जाते हैं। एक और जो कारण होता है वो अगेन हेरिडिटरी का कारण होता है। अगर पेरेंट में आपके ये प्रॉब्लम है तो आपके जीन्स में मेलानिन कम बनाने की क्षमता वाले जीन्स होते हैं जिसके वजह से आपके बॉडी में कम मेलानिन का फॉर्मेशन होता है और बाल ग्रे होते हैं। तो ये कुछ कारण थे जिसके वजह से कि छोटे उम्र में प्रीमेच्योर ग्रेइंग होती है और बड़े लोगों में भी ग्रेइंग होती है। आज जो मैं आपको हेयर डाई बताने वाली हूँ वो 100% इफेक्टिव हेयर डाई है, मेल और फीमेल दोनों पे बराबर ये काम करेगा और इसका 100% रिजल्ट है। 100% रिजल्ट फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको रिजल्ट दिख जाएगा और लगातार अगर थोड़े दिनों तक आप लगाते रहेंगे तो आपके बाल परमानेंटली ग्रे से ब्लैक हो जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ बालों में लगाने से ही चीजें होती है, नहीं, कुछ चीजें आपको खाने में भी ऐड करने की जरूरत है। अच्छे ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए या ग्रीन जूस पीजिए, उसके साथ आप नट्स खाइए, अच्छे सीड्स खाइए जैसे कि चिया सीड, पंपकिन सीड, फ्लैक्स सीड, ये चीजें रोज खाइए। वॉलनट आप खाने में रोज खाइए, आलमंड खाइए, ये सारी चीजें खाने में इंक्रीज कीजिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल का 5 से 6 तरह का फल और सब्जी मिलाकर रोज खाने की कोशिश कीजिए। दाल चावल रोटी कम भी खाएंगे तो चलेगा, सब्जी एंड फ्रूट ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो आपके बॉडी को लंबे समय तक हेल्दी एंड फिट रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और बायोटीन खाइए, बायोटीन क्या होता है, जो चेरी, अलग अलग तरह के चेरी होते हैं, जो वो चेरी खाइए, उसके साथ बायोटीन आपको मिलता है। पंपकिन अगर आप खाते हैं तो उसके अंदर भी आपको बायोटीन मिलता है, कैरेट आप खाते हैं उसके अंदर भी कैरोटीनॉइड्स एंड बायोटीन मिलता है। ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं जिसके अंदर में बायोटीन मिलता है। ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपके बालों को स्ट्रेंथ देने का काम करती हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां खाएंगे तो उससे आपको बहुत ज्यादा आयरन भरपूर मात्रा में मिलेगा। और B12 के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे भर भर के आपको वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन सोर्स से B12 चाहिए तो कैसे मिल सकता है, आई कार्ड में है ये वीडियो, इसको जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में भी है वीडियो, इसको देखिए और फिर अपने बॉडी में B12 आयरन को भरपूर मात्रा में बनाइए। अब हम आते हैं रेमेडी के ऊपर। रेमेडी में सबसे पहले आपको बनाना है एक ऑयल। ये जो आपको अप्लाई करना है ये धुले बालों में अप्लाई करना है जो डाई है, लेकिन उससे पहले रात में आपको लगाना है तेल। तेल के लिए आपको क्या करना है, हमें चाहिए 50 ग्राम मेथी, 25-30 करी पत्ता और नींबू का रस, 50 से 100 ml अच्छा कोकोनट ऑयल। क्या करना है, इस मेथी को मिक्सी के अंदर दरदरा पीस लेना है। पीसने के बाद अब गैस के ऊपर एक पैन चढ़ाना है, पैन के अंदर में डालेंगे ये हम नारियल का तेल, आप सरसों तेल भी यूज कर सकते हैं। जिन लोगों के बाल कम हैं, थिन बाल हैं, पतले बाल हैं, उन लोगों के लिए सरसों तेल बहुत अच्छा है। जिनको बाल लंबे करने हैं, घने करने हैं, काले करने हैं, वैसे लोगों के लिए नारियल का तेल बेस्ट है। ये नारियल का तेल डाल दिया, जब नारियल का तेल गर्म हो गया तो इसके अंदर में पहले डालेंगे करी पत्ता। जब करी पत्ता अब काला हो गया तो अब डालेंगे इसके अंदर ये मेथी का पाउडर। मेथी का पाउडर भी तब तक भूनना है जब तक ये भी एकदम काला ना हो जाए। जब काला हो जाएगा उसके बाद इसको नीचे उतार लेना है, ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद अब हम इसको छान लेंगे। छानने के बाद इसके अंदर में मिलाना है अब ये 1 चम्मच नींबू का रस और इसको पूरे बालों में जड़ों से लेकर नीचे तक बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद अब आपने रात में बाल बांधकर सो जाना है। सुबह को आपने फिर जैसे हेड वॉश करते हैं, जिस भी शैंपू और कंडीशनर लगाकर करते हैं वो कर लीजिए। और उसके बाद अब बनाना है हमारा स्पेशल मिराकुलस अमेजिंग डाई। इस हेयर डाई को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 8 से 10 वॉलनट,
जी हाँ, छिलके वाला, सेल वाला हमें वॉलनट चाहिए। अब इस वॉलनट को तोड़कर इसके अंदर से अखरोट बाहर निकाल लेंगे। इस छिलके को इस्तेमाल करना है हमें। इस छिलके को हम क्या करेंगे, इमाम दस्ते में या कैसे भी इसको तोड़ तोड़ कर छोटे टुकड़े कर लेंगे और इन टुकड़ों को अब मिक्सी में हम दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद अब गैस के ऊपर हम एक पैन चढ़ाएंगे, इसके अंदर में 1 लीटर पानी डालेंगे। पानी के अंदर में 6 बड़े चम्मच ये अखरोट का पाउडर डाल देंगे, मिला देंगे इसको अच्छे से। अब इसको ढक देंगे, ढक कर मध्यम आंच पे इसको आधे घंटे के लिए बॉईल होने देंगे। ये देखिए, आधे घंटे के बाद ये इस तरह का कलर रह गया इसको। अब हम गैस बंद कर देंगे, बंद करके इस पानी को ठंडा होने देंगे। जब ये पानी ठंडा हो जाएगा उसके बाद अब इस डाई को छान लेंगे। छानने के बाद इसको अप्लाई करना है। आप ग्लव्स पहन लें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके हाथों में जैसे डाई के कलर लगते हैं वैसे कलर आपके लग जाएंगे। आप ग्लव्स पहन लें क्योंकि ये कलर जो है वो बहुत गहरा होता है, जल्दी निकलता नहीं है। अब आपको बालों में जड़ों से लेकर नीचे तक सही तरीके से हाथों से, ब्रश से, कॉटन से, जैसे आपको ठीक लगता है लगाइए। यहीं पे एक प्रिकॉशन बता दूं, इसका कलर जो है वो लग जाएगा आपके कपड़ों पे, स्टेन आ जाएगा, तो आप कंधों के ऊपर एक तौलिया डाल लें, एक पुराना कपड़ा डाल लें, ताकि उस पे अगर बूंदे गिरे तो हार्म ना हो। पूरे बालों में इसको बहुत अच्छे तरीके से लगा दीजिए। लगाने के बाद अगर आपके मेल है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर फीमेल है तो बालों को बांधकर थोड़ा सा जूड़ा बना लीजिए। 1 से 2 घंटे इसको छोड़ दीजिए। 2 घंटे में इसका अति उत्तम रिजल्ट है। 1 घंटे छोड़ेंगे तब भी काम चल सकता है अगर आपके पास समय कम है। 1 से 2 घंटे के बाद इसको नॉर्मल पानी से, कोई शैम्पू कंडीशनर कुछ नहीं लगाना, नॉर्मल पानी से बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है। जब आप इसको वॉश करोगे तो आपके बाल इस तरह के घने, चमकदार, सुंदर, और देखो ये डार्क ब्राउन कलर किस तरह से आ जाता है। ये जो डार्क ब्राउन कलर है ये एकदम नेचुरल कलर है। ये कलर आपको बताऊं कि फैब्रिक को डाई करने के लिए यूज होता है। पेंटर लोग पेंट को इस तरह से, नेचुरल पेंटिंग जो करते हैं वो इस तरह की चीजें यूज करते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो नेचुरल डाई से चीजें बनती हैं, ऐसी चीजों में इसको यूज किया जाता है। इतना अमेजिंग मिरेकुलस छुपा हुआ राज है इस अखरोट के छिलके के अंदर। अब आप देखिए आपके बाल खूबसूरत हो गए। आप इस डाई को लगातार 3 महीने तक हर हफ्ते अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपको शायद कभी भी बालों में डाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके बाल हमेशा के लिए घने, लंबे, सुंदर और कलरफुल हो जाएंगे। तो ये था एक अनोखा उपाय आपके बालों को, ग्रे हेयर को डाई करने का, उसको कलर बनाने का। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आप अपने नियर डियर आसपास में लोगों को जरूर शेयर करें अगर वीडियो आपको पसंद आता है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं कि आप क्या और नई चीजें मेरे वीडियो में देखना चाहते हैं, कौन से और डिजीज या प्रॉब्लम भी आप वीडियो देखना चाहते हैं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। हैप्पी रहिए, हेल्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत प्यार से देखभाल कीजिए। थैंक यू सो मच हमेशा मुझे वॉच करने के लिए।